Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provided link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Welcome back to another new video. So today's topic is cell membrane. In our previous video, we discussed about eukaryotic cell, but now we discuss about cell membrane. So in cell membrane, we discuss each and everything with related to cell membrane. What is fluid mosaic model? Each and everything we talk about in this particular video. So let's start without wasting any time. So first we read what written in NCERT textbook. After that elaborate each and everything with simple and easy word. So let's begin. So cell membrane है ना, cell membrane क्या होती है? यानी cell, cell का मतलब होता है कोशिका. Cell का मतलब क्या होता है? कोशिका. कोशिका है ना, cell का मतलब होता है कोशिका. Membrane का मतलब हुआ covering या झिल्ली है ना. Membrane का मतलब क्या हुआ? झिल्ली या covering. ठीक है, तो यानी कोशिका झिल्ली के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे है ना. स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी. क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. साइटो वर्ड होता है वो सेल से रिलेटेड होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी है ना. स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी की टेस्ट में क्या लिखा गया है. द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 है ना. सो जो हमारी सेल की डिटेल स्टडी थी है ना, डिटेल स्ट्रक्चर हम सेल का स्टडी कर पाए, वो हम कब कर पाए? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो पाई. क्योंकि सेल के अंदर बहुत बहुत से छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनको आसानी से देख पाना ऐसे विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पॉसिबल नहीं था. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से उसकी सेल की डिटेल स्टडी कर पाए है ना. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है. क्या होती है? हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है. हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है या चीज़ों को इतना जूम कर देगा, इतना मैग्नीफाई कर देगा कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमको दिखाई दे देगी है ना. और ये कब खोजा गया, कब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ? तो 1950 में हुआ. 1950 में हुआ, और किसने किया? तो अर्नेस्ट रस्का नाम के एक साइंटिस्ट थे. अर्नेस्ट रस्का नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की. कब की? 1950 में. ठीक है, आगे देखते हैं. मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना. इसमें भी सेल की स्टडी हुई, यानी डिटेल स्ट्रक्चर हुआ, स्टडी हुई उसकी सेल मेम्ब्रेन की है ना. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसमें भी किसमें केमिकल स्टडी की गई. केमिकल स्टडी किया गया. केमिकल स्टडी किसमें की गई? द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली किसकी? ह्यूमन की आरबीसी पे. केमिकल स्टडी किस पे की गई? स्पेशली ह्यूमन की आरबीसी पे, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल बोलते हैं. उन पे स्टडी की गई, केमिकल स्टडी की गई है ना. उससे पता चला उसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उस आरबीसी में देखा गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आरबीसी में देखा गया, ये हम याद रखेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि डिड्यूस. इसका मतलब क्या हुआ? डिड्यूस का मतलब क्या हुआ? तो निकालना या निष्कर्ष निकालना, एक तरह का ये हुआ निष्कर्ष निकालना. ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई, जब इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ तो स्पेशली वुमन के आरबीसी पे स्टडी की गई. साइंटिस्टों ने स्टडी की और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा उन्होंने. ठीक है, निष्कर्ष निकाला. आगे देखते हैं. द स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज इन ए बाईलेयर है ना. जो स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो उसमें क्या निकला, उसमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? लिपिड की. कंपोज ऑफ लिपिड यानी वो लिपिड से बनी होती है या लिपिड की बनी होती है ना. कंपोज ऑफ लिपिड यानी लिपिड से बनी होती है. ठीक है, और वो जो लिपिड होता है वो किसमें अरेंज होता है? वो अरेंज होता है बाई लेयर पे. लिपिड की बनी होगी, लिपिड जो होगा बाई लेयर पे अरेंज होगा, यानी लिपिड की दो लेयर होंगी, उसमें अरेंजमेंट होगा वो. ठीक है,
ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर पार्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड की बाइलेयर बनी होती है, है ना, लिपिड की बाइलेयर बनी होती है और वो लिपिड बाइलेयर पे अरेंज होता है। जो लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होता है, तो किस तरीके से अरेंज होता है, उसका जो पोलर हेड होता है यानी जो हेड होगा, मान लो ये लिपिड हुआ, ये इसकी बाइलेयर हुई, एक इधर ये हुआ, ये दोनों लिपिड की बाइलेयर हुई, ये इसका जो हेड हुआ, ये हेड हुआ, ये हेड हुआ, ये हुई इसकी टेल, ये क्या हुई इसकी, ये इसकी हुई टेल। जो हेड हुआ वो आउटर साइड था, आउटर साइड हेड क्यों था, क्योंकि ये पोलर हेड था, ये पोलर हेड था और ये हाइड्रोफिलिक था, है ना, हाइड्रोफिलिक था यानी इसको पानी से प्यार था, है ना, हाइड्रोफिलिक था, इसलिए इसका हेड जो था आउटर साइड था। और जो इसकी हाइड्रोफोबिक थी, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं जल भयभीतता एक डिजीज होती है ना, हाइड्रोफोबिया, इससे पानी से डर लगता है इंसान को, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक जो टेल थी यानी वो वाटर से प्यार नहीं करती थी, है ना, नॉट लव वाटर, नॉट लव वाटर, उसको वाटर से प्यार नहीं था, किसको प्यार नहीं था, वाटर से यानी टेल को, हाइड्रोफोबिक टेल को, जो कि कहाँ पे थी, इनर पार्ट में थी, अपने आप को बचाने के लिए वो इनर पार्ट में अरेंज थी, उसकी टेल जो थी अंदर की तरफ थी, ठीक है। दिस इंस्टेड डेट द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरमेंट, है ना, जो नॉन पोलर वो थी, जो इसकी नॉन पोलर टेल थी, किसी बनी हुई थी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई थी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, इसलिए उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मेथेन, है ना, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ गया ये सिंगल बॉन्ड से, तो यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसकी जो नॉन पोलर टेल बनी होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करती है एक्वियस एनवायरनमेंट यानी पानी के एनवायरनमेंट से, है ना, पानी के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाती है। ये हमको फिगर दिखाया गया है 8.4 पे, फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देख लेते हैं। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, है ना, जो लिपिड का कंपोनेंट होता है वो मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड का कंपोनेंट होता है उसमें मेनली क्या होता है, वो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं, उसमें लिपिड के कंपोनेंट में मेनली होगा जो फॉस्फोग्लिसराइड होगा। अब ये आता है कि मेनली इसका जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, लिपिड का जो कंपोनेंट है उसमें फॉस्फोग्लिसराइड है। फॉस्फोग्लिसराइड किससे किससे मिलके बना होता है, जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है 1 ग्लिसरॉल से बना होता है ना, 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और उसमें 1 फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है, 1 फॉस्फोरिक एसिड होगा, 2 जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, फैटी एसिड के होंगे। क्या क्या होगा, यानी फॉस्फोग्लिसराइड किससे किससे मिलकर बना होता है, तो 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, 1 फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा और 2 जो होंगे वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होंगे। आप समझ गए होंगे, याद रखेंगे कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो मेनली किसकी बनी होती है, फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है। फॉस्फोग्लिसराइड में 1 फॉस्फोरिक एसिड होता है, है ना, 2 फैटी एसिड होते हैं, 1 ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। जब सेल मेम्ब्रेन का फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया बाद में, तो उसमें क्या पाया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ऑल्सो मतलब भी, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें क्या पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन में बायोकेमिकल स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि क्या पता चला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें पाए जाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें पाए जाएंगे। और इसमें रेशियो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो होता है वो डिफरेंट में कंसिडरेबल, मतलब चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है डिफरेंट टाइप सेल में, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबल इन डिफरेंट टाइप सेल, है ना, सेल के डिफरेंट टाइप में वो उसका प्रोटीन और लिपिड का रेशियो चेंज होता रहेगा, ठीक है। इन ह्यूमन बींग में क्या होता है, जो आरबीसी में होता है, प्रॉक्सीमेट क्या होता है आरबीसी, इन ह्यूमन बींग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, यानी ह्यूमन की जो इरिथ्रोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल को ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 52% जो होता है प्रोटीन होता है, उसमें क्या होगा 52% क्या होगा प्रोटीन होगा और 40% लिपिड होगा। तो यानी आरबीसी में क्या हुआ,
आरबीसी में क्या हुआ, 52% जो हुआ वो प्रोटीन हुआ और 40% जो हुआ वो क्या हुआ, लिपिड हुआ। ठीक है, ये याद रखेंगे ह्यूमन की रिथ्रोसाइट में क्या होता है, रिथ्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, 52% प्रोटीन होता है और 40% जो होता है वो लिपिड होता है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, है ना, डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासीफाइड एज इंटीग्रल और पेरीफेरल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी मतलब वो कितनी आसानी से निकाली जा रही है ना, आसानी से निकालना इसका मतलब क्या हुआ, आसानी से निकालना, है ना, कितनी आसानी से इसको निकाला जा रहा है, इतनी आसानी से उसको निकाला जा रहा है। इसके बेसिस पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन को था उसको क्लासिफाइड कर दिया दो पार्ट में, है ना, कौन कौन से, एक इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है ना, जो मेम्ब्रेन में धसी होगी उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। टोटली या पार्शली, पूरी तरह से धसी हो सकती है, उसके अंदर हो सकती है या आधी बाहर हो सकती है आधी अंदर हो सकती है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इसको टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। और चैनल प्रोटीन यानी ये चैनल का काम करती है, यानी मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराएगी। ठीक है, और ये पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब होता है, पेरीफेरी का मतलब सभी जानते हैं, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। तो पेरीफेरी का मतलब होता है क्या होता है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ पाई जाएगी यानी आउटर सरफेस पे पाई जाएगी। इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, है ना, इसको इंट्रेंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो पेरीफेरी को इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, है ना। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है वो लाइज करती है यानी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से होगी, है ना, पेरीफेरी, मैंने आपको बताया पेरीफेरी का मतलब होता है अब बाहर की तरफ, तो वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होगी, कहाँ पे होगी, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होगी, लाइज ऑन सेल मेम्ब्रेन सरफेस। वाइल इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं हम लोग, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, टनल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ये कैरियर प्रोटीन की तरीके भी काम करती है, क्या बोलते हैं इसको, कैरियर प्रोटीन भी इसको बोलते हैं। इसके इतने नाम है, याद रखेंगे, कोई भी नाम देके हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो पेरीफेरल प्रोटीन होगी वो बाहर की तरफ होगी, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होगी, और इंटीग्रल प्रोटीन होगी वो पार्शली या टोटली इसमें सेल मेम्ब्रेन में बरीड होगी, यानी इसमें धसी हुई होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, धसी हुई होगी। हमको फिगर दिखाया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का हमको फिगर दिखाया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगलर है, निकोलसन ने दिया था, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, बट फिगर देख लेते हैं पहले। ये जो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड प्रोटीन, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन में पार्शली और टोटली बरीड होती है, इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, है ना, और इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो लिपिड अरेंथ था, ये लिपिड बाई लेयर पे अरेंथ था, दो लेयर पाई जा रही है लिपिड की, लिपिड की दो लेयर पाई जा रही है, ये बाहर की तरफ जो है ये इसका हेड है, बाहर की तरफ क्या है, ये हेड है, और अंदर की तरफ क्या है, ये अंदर की तरफ क्या है, ये टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक है। टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, टेल जो हुई वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, यानी उसको पानी से डर लगता है, इसलिए वो अपने आप को पानी से बचाने के लिए अंदर की तरफ है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये प्रोटीन हुआ, प्रोटीन और ये शुगर, ठीक है, और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, क्या दिया है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाई सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना, एक इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, एक इम्प्रूव्ड मॉडल प्रपोज किया किसने, सिंगलर और निकोलसन सामने, सिंगर और निकोलसन सामने एक सेल मेम्ब्रेन का इम्प्रूव्ड मॉडल, अच्छा खासा इम्प्रूव करके मॉडल प्रपोज किया। और कब प्रपोज किया, 1972 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। इस पैराग्राफ का सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि हमसे पूछ लेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो और कब दिया, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था
सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया 1972 में, 1972 में, जिसको वाइडली एक्सेप्टेड किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल, है ना, किस नाम से जानते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल, किसने दिया, सिंगलर और निकोलसन ने दिया, कब दिया, 1972 में दिया, ये हम लोग याद रखेंगे 1972 में, ठीक है। जो मैंने पिछले फिगर दिखाया था वो इसी का था। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का जो क्वासी फ्लूड नेचर होता है ना, क्वासी फ्लूड नेचर होता है वो क्या करता है, क्वासी फ्लूड नेचर होता है लिपिड का, वो लेटरल मूवमेंट शो करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाई लेयर, है ना। जो लिपिड होगा उसका जो क्वासी फ्लूड नेचर होगा वो क्या कराएगा, लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का शो कराएगा ओवरऑल लिपिड बाई लेयर पे, ठीक है, लिपिड बाई लेयर पे लेटरल मूवमेंट शो कराएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूडिटी, है ना। इसका मतलब हुआ ये एबिलिटी जो हुई मूवमेंट की एबिलिटी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करने की जो एबिलिटी हुई, यानी जो मूवमेंट कराने की एबिलिटी हुई, ये किस में मेजर करते हैं, यानी उसकी फ्लूडिटी पे मेजर करते हैं, यानी वो कितनी तरल है, उसकी तरलता पे, फ्लूडिटी का मतलब होता है तरलता, क्या तरलता, ठीक है, उसकी फ्लूडिटी तरलता पे उसकी मेजर करते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, द फ्लूड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, जो फ्लूड नेचर होता है, फ्लूडिटी नेचर होता है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, वो इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन और सिक्रीशन, इंडोसाइट्रोसिस एंड सेल डिवीजन, है ना। जो फ्लूडी नेचर होता है, जो फ्लूड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो इंपॉर्टेंट किस में होता है, कुछ उसमें हमको दिखाया गया है कि सेल की ग्रोथ के लिए, है ना, सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंडोसाइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा और सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये याद रखेंगे, नेचर ऑफ फ्लूड का, जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूडिटी नेचर होता है, वो किस किस में इंपॉर्टेंट करता है, अपना रोल अप प्ले करता है, तो सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में, ठीक है, और किस में, सिक्रीशन में, इंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन में। आगे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये मॉलिक्यूल को क्या करता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, ये मॉलिक्यूल को इसमें ट्रांसफर कराता है ना, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को इसमें क्रॉस कराएगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट करेगा, भेजेगा, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल, है ना, जो मेम्ब्रेन यहाँ पे बोला, मेम्ब्रेन यहाँ पे बोला, तो यहाँ इसमें क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलेंगे, मेम्ब्रेन आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, बात एक ही है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो सेल वॉल होती है वो सभी के लिए परमेबल होती है, उससे सभी चीज़ें अंदर आ सकती हैं, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही अंदर आएंगी, इसीलिए ये सिलेक्टिव नेचर होती है, ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टिव परमेबल होती है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, है ना, जो इसके इसमें सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल इसके तरफ आ सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ही मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं। आगे देखते हैं, मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो मूव करते हैं ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन पे मूव करेंगे, बहुत आसानी से मूव करेंगे और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और वहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है, तो हम बोलेंगे नो, देयर इज नो एनर्जी यूज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो क्या होता है, आगे क्या दिया गया है ना, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आगे क्या है, न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द, जो न्यूट्रल सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट मतलब जैसे हम नमक का ले लें, चीनी ले लें, ये हमारा
सॉल्यूट माना जाता है ना। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घुली हुई हो, जैसे वाटर हो गया, वाटर इज द गुड सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ जिसमें कोई चीज़ घोली जाए, ठीक है। सॉल्वेंट यानी जैसे H2O, ठीक है, H2O वाटर जो हुआ वो सॉल्वेंट हुआ। और जो सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हुए, सॉल्यूट हुआ, जैसे हमारा चीनी हो गया है ना, साल्ट हो गया, ये हमारे क्या हुए, सॉल्यूट हुए, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूट जो न्यूट्रल हो उसमें कोई चार्ज ना हो, है ना, सो वो सेल मेम्ब्रेन में मूव करते हैं किस प्रोसेस से, बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी उसमें सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज़ें जाती हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे सांद्रता ज़्यादा होगी वहाँ से चीज़ें लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे कम सांद्रता की तरफ जाएंगी, है ना, हायर टू लोअर होता है ये प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है सिंपल डिफ्यूजन, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन, यानी इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के तरफ, मतलब जितने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या बताया, इसमें यहाँ पे बताया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे चीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। मान लो दो बीकर में पानी भर लें, एक में पानी 5 लीटर कर लें, एक में पानी 1 लीटर करें, तो 5 लीटर वाले पानी बीकर से वो 1 लीटर वाले पानी की तरफ जाएगा, उसमें अगर हम लोग एक ट्यूब लगा दें, ठीक है, जोड़ने किसी तरह से उसका कनेक्शन कर दें, तो 5 लीटर से वो 1 लीटर पानी की तरफ जाएगा। जब दोनों का वाटर का अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो वो सेचुरेट हो जाएंगे, उसमें फिर कोई वाटर का मूवमेंट नहीं देखा जाएगा, ठीक है, इसी सीधा सा मतलब ये है। आगे क्या है, वाटर में आल्सो मूव, वाटर भी मूव करता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, इस प्रोसेस से वाटर भी मूवमेंट करता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है बाय डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यानी हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन में वाटर जा रहा है बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ जिसमें चार्ज हो, है ना, जिसमें पोलरिटी हो, जैसे H2O होता है हमारा, H2O इज द पोलर सॉल्वेंट, है ना, H2O होता है ये पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी इसमें ये जब H2O टूटेगा तो H+ और प्लस OH- माइनस में ये टूटता है, है ना, OH- माइनस में प्लस और माइनस चार्ज है, यानी इसमें पोलरिटी है, तो ये वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, याद रखेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे चार्ज होगा तो वो पास नहीं हो पाएंगे थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर, है ना, पोलर मॉलिक्यूल होंगे जिसमें चार्ज होगा वो लिपिड बाय लेयर से पास नहीं हो पाते हैं, लिपिड बाय लेयर से पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा, पास नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ATP को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर, यानी नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर से पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते, यानी H2O का मॉलिक्यूल जो होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल जो होंगे लिपिड से पास नहीं हो पाएंगे, लिपिड की बाइलेयर से पास नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, दे रिक्वायर्ड है कैरियर प्रोटीन, तो उसके लिए क्या, कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी। कैरियर प्रोटीन की जरूरत क्यों होगी, कैरियर का मतलब ही होता है ले जाने वाला, है ना, कैरियर प्रोटीन का मतलब होता है ले जाने वाला, है ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल को ले जाएगा, भाई कोई चीज़ किसी को ले जाएगी तो कुछ ना कुछ अपना वो बेनिफिट, कुछ ना कुछ तो वो मांगेगी कि मुझे इतना वो दो, एनर्जी दो या कुछ दो, ठीक है, तो समझ लो ऐसे अगर हमारा कोई बोझा होता है तो हमारा कोई लगेज होता है, स्टेशन पे जाते हैं तो कुली जो होता है वो अपना मेरा लगेज लेगा तो वो अपना कुछ रेवेन्यू लेगा, बोलेगा मुझे इतने रुपए दो तो आपका मैं लगेज यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा, है ना, तो इसी एक तरह वो कैरियर प्रोटीन के तरीके वो काम करता है, क्या, कुली, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन के तरीके काम होगा, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी जो वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराएगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। आगे क्या है, ए फ्यू आयन, कुछ आयन्स और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कुछ आयन्स होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
किसके कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा इसमें, कहाँ से होगा लो टू हाई कंसंट्रेशन, लो से हाई, कोई चीज़ कम से ज़्यादा में जा रही है, कोई चीज़ कम से ज़्यादा में जा रही है। मान लो हम पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, है ना, वहाँ की पहाड़ की ऊंचाई है 10 मीटर, सपोर्ट डेट, ऐसा होता नहीं पहाड़ इतना छोटा नहीं होता, ठीक है, मान लो 10 मीटर ऊंचाई पे हम चढ़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से हमको नीचे आना है, हमको नीचे आना है क्या है, वहाँ से मैं लुढ़क जाऊँगा, लुढ़क के नीचे आ जाऊँगा, कोई एनर्जी की खर्च नहीं होगा, है ना। अगर हमको ज़मीन से पहाड़ पर चढ़ना है यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर जाना है तो हमको एनर्जी ATP खर्च करनी पड़ेगी, तब हम वहाँ पर जा पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि हम यहाँ से नीचे तो लुढ़क गए ऊपर पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से गिरना आसान है, वहाँ पर एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी वहाँ की कंसंट्रेशन हाई है और नीचे आने में कंसंट्रेशन लो है, तो आसानी से आ जाएंगे, पर नीचे तो ऊपर जाने यानी लो टू हाई जाने में एनर्जी को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ATP का खर्च करना पड़ेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। एफ्यू आयंस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, इसमें बताया हमको फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई लोअर टू लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, यानी उसमें एनर्जी यानी ATP लगेगा, एनर्जी की फॉर्म पे होगी वो ATP पे होगी, ATP द होता है एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी बोलते हैं ATP को, ATP को क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी बोलते हैं, इसका हमको खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब हम जा पाएंगे, ठीक है। इन विच ATP इज यूटिलाइज, इसमें क्या होता है ATP यूटिलाइज होती है, ATP मैंने आपको बताया एनर्जी करेंसी होती है, है ना, ATP यूटिलाइज होती है, एंड ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं कहाँ पे होगा ये हमारे जल मेम्ब्रेन में होगा, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होंगे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है जीता जागता हुआ, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम सेल्फ हेल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक माय सेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल सो आई प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल, तो प्लीज गो थ्रू एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे, गिव अ बिग थम्स अप।